हेलो दोस्तों, आज हम लोग गेस्ट दसोंग चैलेंज के साथ साथ और भी एक इंटरेस्टिंग चैलेंज करने वाले हैं, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखते हैं किसका स्कोर आता है सबसे ज्यादा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट चैलेंज, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। और अगर हिंट्स की बात की जाए तो इस मूवी का नाम था भूल भुलैया 2, जिसमें थे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी। तो जल्द से दिमाग लगाओ और गाने का नाम बता दो। तो बिल्कुल आपने गेस किया होगा। तो फर्स्ट इमेज में कुछ मांगा जा रहा है तो उसे कहेंगे दे, और सेकेंड में क्लैपिंग हो रही है जिसे हिंदी में कहेंगे ताली, तो आपका गाना हो जाता है ये। अब ये रहा हमारा सेकंड नंबर का चैलेंज, और ये कोई मूवी का नहीं एल्बम का सॉन्ग है जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई थी। हिंट्स की बात की जाए तो इसके सिंगर थे टोनी कक्कड़। तो अब इसे बिल्कुल आप लोग बता पाओगे तो जल्दी से बता दो। तो अगर आपने इसे गेस कर लिया तो वीडियो को लाइक करके बता दो। तो यहाँ फर्स्ट इमेज में लिखा हुआ है 12, तो हो जाए 12, और सेकंड में लड़के, तो आपका गाना हो जाता है ये। अब ये रहा हमारा थर्ड नंबर का चैलेंज, और ये सॉन्ग भी किसी मूवी का नहीं एल्बम का ही सॉन्ग है। और अगर हिंट्स की बात की जाए तो इसके सिंगर भी है टोनी कक्कड़। तो काफी ज्यादा इजी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बता दो। तो बिल्कुल आपने गेस किया होगा। तो यहाँ फर्स्ट इमेज में आप लोग देख सकते हैं नंबर लिखा हुआ है, तो हो जाए नंबर, और सेकंड में लिखा जा रहा है तो हो जाए लिख, तो आपका गाना हो जाता है ये। नंबर लिख 9871। अब ये रहा हमारा फोर्थ नंबर का चैलेंज, और ये किसी एल्बम का नहीं मूवी का सॉन्ग है जो कि एक कॉमेडी मूवी था। मूवी का नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये एक टाइटल सॉन्ग है। फिर भी अगर हिंट्स की बात की जाए तो इसमें एक्टर थे अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और फरदीन खान। तो इतना हिंट्स काफी रहेगा, तो देखते कितने लोग कमेंट करते हैं। तो अगर आपने इसे गेस कर लिया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो फर्स्ट इमेज में लिखा हुआ है तो हो जाए है, और सेकंड में एक बेबी है, तो आपका गाना हो जाता है ये। अब ये रहा हमारा फिफ्थ नंबर का चैलेंज, और अगर आप लोग इमरान हाजमी के फैन होंगे तो इसे तो आप लोग गेस भी कर लिए होंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा हिट सॉन्ग था उनका, और ये भी एक टाइटल सॉन्ग है तो मूवी का नाम नहीं बता सकता। तो जल्द से दिमाग लगाओ और बता दो। तो यहाँ फर्स्ट इमेज आपके ओर इशारा कर रहा है तो हो जाएगा तुम, सेकंड में दो लोग मिल रहे हैं तो हो जाए मिले, तो आपका गाना हो जाता है ये। अब ये रहा हमारा सिक्स नंबर का चैलेंज, और ये किसी एल्बम का नहीं मूवी का सॉन्ग है जो कि काफी ज्यादा हिट हुई थी। हिंट्स की बात की जाए तो उस मूवी का नाम था पीके। तो इतना हिंट्स काफी रहेगा, तो बहुत सारे लोग जरूर बता देंगे। तो अगर आपने इसे गेस कर लिया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फर्स्ट इमेज में लिखा हुआ 4, तो हो जाए 4, और सेकंड का हो जाएगा कदम, तो आपका गाना हो जाता है ये। 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। अब ये रहा हमारा 7 नंबर का चैलेंज, और ये सॉन्ग तो काफी ज्यादा क्लासिक सॉन्ग है, अभी भी काफी ज्यादा हिट है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी हिंट देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया हुआ। तो देखते कितने लोग कमेंट करते हैं। तो फर्स्ट इमेज में है गुलाब, तो हो जाए गुलाबी, और सेकंड में है आंख, तो हो जाएगा आंखें, तो आपका गाना हो जाता है ये। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल। अब ये रहा हमारा 8वें नंबर का चैलेंज, और ये सॉन्ग भी काफी ज्यादा ही जो है बहुत सारे लोगों ने तो गेस भी कर लिया होगा। फिर भी अगर हिंट्स की बात की जाए तो इस मूवी के रीमेक भी बन चुके हैं, और दोनों मूवी का नाम था कूली नंबर 1। तो जल्दी से दिमाग लगाओ और बता दो।
तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने गेस कर दिया होगा। तो फर्स्ट इमेज आपके ओर इशारा कर रहा है तो हो जाएगा तुझे, सेकंड में मिर्ची और थर्ड में लिखा हुआ है तो आपका गाना हो जाता है ये। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो। अब ये रहा हमारा 90 नंबर का चैलेंज और ये भी काफी ज्यादा इजी। अगर आपने गेस कर लिया तो अभी के अभी लाइक करके बता दो, फिर वे जिन्हें हिंट्स की जरूरत है उन्हें बता दो। इस मूवी का नाम था अपना सपना मनी मनी, तो देखते कितने लोग बताते हैं। तो बिल्कुल आपने गेस किया होगा। तो फर्स्ट इमेज में है एक दिल तो हो जाएगा दिल में, सेकंड में लिखा हुआ बजी और थर्ड में गिटार तो आपका गाना हो जाता है ये। अब ये रहा हमारा 10वां नंबर का चैलेंज और ये सॉन्ग एक क्लासिक मूवी का सॉन्ग है जो कि टिकटॉक के जमाने में काफी ज्यादा वायरल हुई थी। और अगर हिंट्स की बात की जाए तो इस मूवी का नाम था दिलवाले जिसमें थे अजय देवगन। तो काफी ज्यादा वायरल सॉन्ग है तो जल्दी से बता दो। तो यहाँ फर्स्ट इमेज में कुछ सुना जा रहा है तो हो जाएगा सुन, सेकंड का हो जाएगा मेरी और लास्ट का हो जाएगा शहजादी तो आपका गाना हो जाता है ये। मेरी शहजादी, मैं हूं तेरा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंज में जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको इस इमेज में बताना है कि इस लेडी का असली पति कौन है, ए या बी, तो जल्द से बता दो। तो बिल्कुल आपने बता दिया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बी नंबर वाला इसका असली पति है क्योंकि इस लेडी के पॉकेट में जो फोन है उसमें इसका ही फोटो है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट चैलेंज, इस इमेज में आपको बताना है कि कौन चीटिंग कर रहा है, ए बी सी या डी, तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो बिल्कुल आपने गेस किया होगा तो देखते हैं किसने सही गेस किया है। तो सी नंबर वाले को तो आप देख सकते हैं उसे कुछ नहीं आ रहा, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और डी नंबर वाले तो सी नंबर के भरोसे बैठा हुआ है, अब बी तो कुछ सोच रहा है, कुछ लिख नहीं रहा है। और आप लोग देख सकते हैं ए नंबर वाले के नीचे हाथ है जहाँ से वो कुछ देख देख के लिख रही है, तो चीटिंग ए नंबर वाली कर रही है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट चैलेंज, इस इमेज में आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा बड़ा मूर्ख है, ए बी सी या डी, तो देखते हैं किसका दिमाग चलता है। तो बिल्कुल आपने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ए नंबर वाली सबसे बड़ी गधी है क्योंकि वो उसी डाल को काट रही है जिसमें वो बैठी हुई है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट चैलेंज, इस इमेज में आपको बताना है कि किसने जहर मिलाया है, तो जल्दी से अपने तेज दिमाग और आंखों का इस्तेमाल करो और बता दो। तो यहाँ सी नंबर वाली ने जहर मिलाया क्योंकि आप उसके पॉकेट में देख सकते हैं एक जहर की शीशी है, तो यहाँ सी नंबर वाली ने जहर मिलाया है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट चैलेंज, इस इमेज में आपको असली पत्नी कौन है इस आदमी का वो बताना है, तो जल्दी से दिमाग और नजरें चलाओ और बता दो। तो आप लोग देख सकते हैं सी नंबर वाले का ही फोटो उस दीवार पे इस आदमी के साथ लगा हुआ है, हेयर कलर भी सेम है, तो सी ही इसकी असली पत्नी है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट चैलेंज, इस इमेज में आपको बताना है कौन महिला ज्यादा खतरे में है, तो जल्दी से दिमाग लगाओ और बताओ।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये तीनों महिला एक सलाखे के पीछे है। जहाँ ए और बी में आप लोग देख सकते हैं ये जानवर उस सलाखों के अंदर नहीं जा सकता, और वहीं सी नंबर में एक सांप है जो कि इन सलाखों के पीछे आराम से जा सकता है और इस महिला को डस सकता है। तो सी नंबर वाली महिला सबसे ज्यादा खतरे में है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट चैलेंज। इस इमेज में आप लोगों को गेस करना है कि तीनों में से भूत कौन है। तो काफी ज्यादा इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो जल्दी से दिमाग लगाओ और बता दो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दीवार पर एक आईना है जिसमें कि सी नंबर वाली महिला का कोई भी परछाई नहीं बन रहा है, और जैसा कि माना जाता है भूतों का इमेज आईने में नहीं दिखता है, तो यह सी नंबर वाली महिला भूत है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट चैलेंज। इस इमेज में आप लोगों को गेस करना है कि तीनों में से कौन प्रेग्नेंट नहीं है। तो इस चैलेंज में आपको अपने दिमाग के साथ अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो जल्दी से करो और बता दो। तो दोस्तों देखने में से तो तीनों महिला प्रेग्नेंट ही लग रही हैं, लेकिन आप लोग सी नंबर वाली महिला पर देख सकते हैं इसने अपने पेट के नीचे एक तकिया छुपाया है जो कि दिख रहा है, तो ये सी नंबर वाली महिला प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट चैलेंज। इस फोटो में क्या गलत है वो आपको बताना है, तो इसमें भी आपको दिमाग के साथ साथ अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करना है, तो जल्दी से इस्तेमाल करो और कमेंट करो और बताओ। तो आप लोग देख सकते हैं ये इमेजेस तो बिल्कुल सही लग रही है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गिलास में दूध दिया जा रहा है, लेकिन उस जग में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, दूध है ही नहीं, फिर भी दूध दिया जा रहा है, तो ये गलत है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट चैलेंज। इस फोटो में आपको बिल्ली कहाँ है ये खोज कर बताना है, तो देखते हैं किसने का दिमाग है तेज और नजरें भी है तेज, तो जल्दी से देखो और बता दो। तो अगर आप लोग नजर इस अलमारी के अंदर लेकर जाओगे तो आप लोग क्लियरली देख पाओगे एक बिल्ली बैठी हुई है, तो बिल्ली अलमारी के अंदर छिपी है। तो दोस्तों ये रहा स्कोरबोर्ड, आपने 20 में से कितने क्वेश्चन गेस किए, तो जल्दी से कमेंट करो और बता दो।